डॉक्टर साहब, गर्मियों का सीज़न चल रहा है, ऐसे में बरसात का भी समय आने को है, तो डेंगू और मलेरिया को देखते हुए पेशेंटों की संख्या तेज़ी से बढ़ेगी, तो इससे पहले ही बचाव किस तरह से किया जा सकता है? देखिए, जो इस समय पे डेंगू और मलेरिया है, ये मच्छरों से फैलता है और मच्छर आपके आसपास की नालियों में पनपते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नालियाँ साफ रखें, उसमें प्रवाह जय जल का प्रवाह बना रहना चाहिए। अगर आपको कहीं पर मच्छर पनपते हुए दिखाई देते हैं या इकट्ठे दिखाई देते हैं, तो उसमें सरसों का तेल या मिट्टी का तेल डाल दें, ताकि वो खड़ा हुआ पानी, उसमें लार्वा पनप ना पाए और मच्छर बढ़े नहीं। तो आप कोई भी जो है कीटनाशक दवाई डाल करके वहाँ से मच्छरों को मार सकते हैं। ये मच्छर इधर उधर नहीं जाएंगे, ये आपके घर के बाहर के मच्छर आप ही को काटेंगे, आप ही को मलेरिया या डेंगू करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप खड़े हुए पानी में सावधानी बरतें और मच्छरों को पनपने ना दें। आसपास जो सफाई रखें, जितना हो सकता है कमेटी वालों को लेटर डाल करके या फिर जो है हेल्थ डिपार्टमेंट को जो है सचेत करके हम इससे बच सकते हैं। मलेरिया और डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो है मच्छरों से ही फैलती है, तो इसलिए इसका बचाव ज़रूरी है। और अगर हम चाहें सफाई रखें तो इससे बचाव संभव है। तो सर, किस तरह के सिम्टम्स प्राथमिक तौर पर देखने को मिलते हैं? देखिए, आजकल मलेरिया का सिम्टम बुखार ही है, मलेरिया डेंगू का, और बुखार के साथ साथ में कभी भी जो प्लेटलेट कम हो जाता है, चक्कर आ जाते हैं, उल्टी आती है, इस तरीके के कई तरीके के सिम्टम्स होते हैं। तो वो तो आप जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे, और मलेरिया का सीज़न अभी आने वाला है और बारिश का सीज़न आने वाला है, पानी खड़ा होना शुरू हो जाएगा, तो ज़रूरी है कि इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। डॉक्टर साहब, अगर इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो क्या पहले टेस्ट कराया जाए या फिर डॉक्टर से एडवाइस ली जाए? देखिए, एक बार डॉक्टर से एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है, और मलेरिया की जाँच, टाइफाइड की जाँच और डेंगू की जाँच अगर प्लेटलेट कम होता है तो करी जानी चाहिए, और उसी से हमें पता लगेगा कि ये बीमारियां हैं या नहीं हैं। और साथ साथ में कोरोना का अगर ध्यान रखा जाए और मास्क पहना जाए। तीसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे अच्छा और कारगर तरीका एक ये भी हो सकता है कि आप ओडोमॉस की एक जो है ट्यूब अपने लिए रखें, और जो भी जगह आपकी खुली है जिसमें मच्छर काट सकता है, सुबह और शाम ओडोमॉस लगा करके रखें, ताकि मच्छर आपको काटने ना पाए। उससे